हाय गाइस, अब मैं आपको बोलने जा रही हूँ 5 टिप्स ऑफ एग्ज़ाम्स। जैसे कि हम लोग को एग्ज़ाम्स में क्या करना चाहिए, वो 5 टिप्स का एग्ज़ाम्स मतलब कि हुआ। तो पहले फर्स्ट टिप कि हम लोग एग्ज़ाम के, जब एग्ज़ाम हम लोग के पास आ रहे तो हम लोग को पहले ही सब्जेक्ट में कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना चाहिए। और जो बाकी टाइम मिलेगा आपको अच्छी तरह हो गया, आपको लगा कि ये सब अच्छी तरह हो गया, मुझे सब लर्न हो गया अच्छी तरह, तो फिर आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के बलबूते पर जा सकते हैं, मतलब कि उसी दिन पे। तो वो हुआ फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप, आपको फिर अपने जो भी फर्स्ट एग्ज़ाम का, जैसे कि कोई इंग्लिश फर्ड्स प्रोनाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन, नाउ व्हाट इज नाउन, वैसा कुछ फर्स्ट जैसे कि कुछ लर्न करना, क्वेश्चन आंसर्स पहले वो सब अच्छी तरह लर्न करना है, वो हुआ हम लोग का सेकेंड टिप। जो भी एग्ज़ाम का है वो हम लोग का सेकेंड टिप हुआ ना। तीन वाला टिप, 3 टिप, जो भी एग्ज़ाम्स के, जो पहले जब हम लोग का पेपर आ रहा है तो हम लोग को गॉड से प्रे करना चाहिए कि हम लोग अच्छी तरह आँख बंद करके प्रे करिए अपने आप के लिए, कि हम लोग को वो कॉन्फिडेंस नहीं होना है और अच्छी तरह एग्ज़ाम्स देना है। वो हम लोग का 4th। जब एग्ज़ाम्स आ रहा है पहले सब क्वेश्चंस को अच्छी तरह रीड कर लीजिए, सब मीन्स को, और फिर जाके आप अपने आप को लिख सकते हैं। 5th, हम लोग को एग्ज़ाम में बहुत सुंदर लिखना होता है, मतलब कुछ हैंड राइटिंग, उसका भी मार्क्स आता है और करेक्ट। आप ये मत वो कॉन्फिडेंस हो कि मैं लिख नहीं सकती अच्छी तरह, मुझे वैसे अच्छे मार्क्स हैं तो वो भी कट हो जाएगा, तो वो सब मत करिए। छन पड़ती है विदाउट द मिस्टेक्स, आप अपने आप को लिख सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। वो हुआ हम लोग का 5th। 6th कि हम लोग का है, हम लोग क्या होते हैं, मतलब कि हम लोग को नेक्स्ट एग्ज़ाम में मिलता है, हाय राम और एग्ज़ाम्स बाकी है, बाप रे बाप, ऐसा फील होने लगता है। ऐसा फील मत करिए, हम लोग का एग्ज़ाम्स कितनी बार होता है, 6 और 5 बार। सो हम लोग एग्ज़ाम्स में बलबूते में आना चाहिए, ठीक है। वो हम लोग का हुआ 6th टिप। 7th टिप, जब भी ओलंपियाड एग्ज़ाम और एग्ज़ाम जो भी फाइनल एग्ज़ाम आ रहा है और ओलंपियाड का, हम लोग को ये नहीं बोलना चाहिए कि हम लोग की मम्मी अभी हैं, बाप रे बाप, उनको ये सब पे सर्कुलर दिखा देंगे तो वो हम लोग को क्या क्या करेंगी, हाय राम, हम लोग को तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ मतलब कि हम लोग को उधर जाना होगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बाप रे बाप, है देख के वैसे नहीं सोचना है हम लोग को, कि हम लोग बलबूते पर जाकर ओलंपियाड एग्ज़ाम और कोई भी एग्ज़ाम पे पास करना है और आराम से स्ट्रीट करके स्टडी करना है। वो हुआ हम लोग को 7th, 8th। हम लोग को अच्छी तरह जैसे कि हम लोग को अच्छी तरह अपना पेपर रखना चाहिए, वो उखाड़ना नहीं, वो स्क्रैच करना नहीं, वो ज़्यादा यूज नहीं करना है। वो हुआ हम लोग का 9th में है क्या कि हम कभी कभी हो जाते हैं कि चलो हटाओ या इस एग्ज़ाम में तो मैं एबसेंट हो जाती हूँ, फिर ये एग्ज़ाम नहीं आएगा, फिर उस एग्ज़ाम पे भी, फिर उस एग्ज़ाम पे, तो सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, फिर बोलते हैं बल्ले बल्ले शपा शपा, मतलब बहुत खुश होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम बस हम लोग के लिए है, हम लोग के पूरे सब चीज़ के लिए। ये हुआ हम लोग का 7th। बाय, आई वांट दिस वीडियो टू लाइक, प्लीज़, बाय बाय।